जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुबह सुबह एनकाउंटर हुआ है जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और राजौरी में दो अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी है। भारतीय सेना के अनुसार घुसपैठ की आशंका के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर 28-29 अगस्त की रात तंगधार कुपवाड़ा के सामान्य क्षेत्र में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त घुसपैठ विरोधी अभियान शुरू किया, जहां उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कुमकड़ी इलाके और तंगधार सेक्टर में 3 आतंकवादी मारे गए। बता दें, संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद गुरुवार सुबह इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया था। जांच और सर्च अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकवादी और सैनिक आमने सामने आ गए। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। माना जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए थे। आतंकियों को नेस्तनाबूद कर क्षेत्र में सेना की स्थिति मजबूत करने के लिए और भी सैनिक भेजे गए हैं। वहीं मुठभेड़ पर अधिकारियों ने बताया कि विशेष खुफिया सूचना के आधार पर 57 राष्ट्रीय राइफल्स और 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जवानों ने माचल सेक्टर के कामकारी इलाके में अभियान शुरू किया। लगभग 7:40 पर घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों की गतिविधि का पता चला, जिसके बाद तुरंत संपर्क स्थापित किया गया और गोलीबारी की गई। अभियान में 2 आतंकवादियों को मारा गया, जबकि शव अभी भी बरामद नहीं किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अभियान जारी है। इसी तरीके से तंगधार में भी एक अन्य अभियान में 1 आतंकवादी के मारे जाने की जानकारी है। बता दें, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आतंकवादियों की लगातार होती घुसपैठ चिंताएं बढ़ा रही है। फिलहाल सेना जगह जगह मुस्तैद है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सूर्य समाचार के लिए मीरा आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुबह सुबह एनकाउंटर हुआ है जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और राजौरी में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी है। भारतीय सेना के अनुसार घुसपैठ की आशंका के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर 28-29 अगस्त की रात तंगधार कुपवाड़ा के सामान्य क्षेत्र में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त घुसपैठ विरोधी अभियान शुरू किया, जहां उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कुमकड़ी इलाके और तंगधार सेक्टर में 3 आतंकवादी मारे गए। बता दें, संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद गुरुवार सुबह इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया था। जांच और सर्च अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकवादी और सैनिक आमने सामने आ गए। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। माना जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए थे। आतंकियों को नेस्तनाबूद कर क्षेत्र में सेना की स्थिति मजबूत करने के लिए और भी सैनिक भेजे गए हैं। वहीं मुठभेड़ पर अधिकारियों ने बताया कि विशेष खुफिया सूचना के आधार पर 57 राष्ट्रीय राइफल्स और 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जवानों ने माचल सेक्टर के कामकारी इलाके में अभियान शुरू किया। लगभग 7:40 पर घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों की गतिविधि का पता चला, जिसके बाद तुरंत संपर्क स्थापित किया गया और गोलीबारी की गई। अभियान में 2 आतंकवादियों को मारा गया, जबकि शव अभी भी बरामद नहीं किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अभियान जारी है। इसी तरीके से तंगधार में भी एक अन्य अभियान में 1 आतंकवादी के मारे जाने की जानकारी है। बता दें, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आतंकवादियों की लगातार होती घुसपैठ चिंताएं बढ़ा रही है। फिलहाल सेना जगह जगह मुस्तैद है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सूर्य समाचार के लिए मीरा आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट।